देश आपको याद होगा कि पूर्णिया पीछे भी तो ध्यान मैदान से बिहार में आज से रथ को बिहार को समाप्त करना चाहिए और रिजर्वेशन को बदलाव करना चाहिए। रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है। ये है असली रूप आरएसएस का और ये भाजपा जिसकी प्रति आप सबको याद होगा। हाँ, और किस एक हो गए और कोई भी धर्म में नहीं रहे जो गठबंधन विचारधारा का विचारधारा है और हमेशा रहने का देश और लोकतंत्र बढ़ेगा तभी हम लोग राजनीति करेंगे। 2024 में से 25 के विकास तोड़ देना है चुनाव आने वाला है और बिल्कुल 2015 में तीसरा सरकार बना के उससे भी मजबूत बनाना है 2024 की स्थिति के लिए। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं पूर्णिया के भूमि मैदान में उपस्थित नहीं हो सका क्योंकि और ये बोलने का ये जो ताकत मैं महसूस कर रहा हूँ कि हमारी बेटी जो अन्य सारी ने अपना वक्त नहीं दिया जीवन दिया है हम उस बेटी को इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। देते हैं और उसके कर्जा को लौटा नहीं सकते हैं। आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद। एक रहिए, एकजुट रहिए और कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता है जब तक हम लोग एक हैं। हमको देश बचाना है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, देश को आगे बढ़ाना है, माइनॉरिटीज की रक्षा करना है। माइनॉरिटीज हम सब लोग बोलते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, अरे हिंदू जो है हम लोग हिंदू है लेकिन माइनॉरिटीज
का क्या अपराध है कि तुम अलग करना चाहते हो, अलग करने का कोशिश कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते। कभी भी हम सफल होने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। और अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का, ये पक्का है। ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है। और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहां से जाइए, पूर्णिया से निकलिए, और हम पूर्णिया के इलाका, जो सीमांचल का जो इलाका है, हमारा मोस्ट सेक्युलर इलाका है, इसको किसी भी कीमत पर भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा, और उसको पहचानना है और एकजुट होना है, और सेक्युलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। और आगे 15 के चुनाव में पूरा 24 के चुनाव में पूरा मजबूती के साथ रिजल्ट देना है, और बिहार देश को उस पर असर हो। माले के लेफ्ट के लोगों को अभी हमारे, हम मुझसे मिले थे दिल्ली में, ये येचुरी साहब आके मिले थे, येचुरी जी मिले थे, और उनसे भी हमारी काफी विस्तार से बात हुई। मैं बात करते रहता हूँ, लोग मिलते रहते हैं। और अब आपको याद करा देना मैं चाहता हूँ कि ये जो राशन की 5 किलो तो 10 किलो हम राशन दे रहे हैं, राशन दे के हम वोट मांग रहे हैं। याद होगा 1910 में ही सुप्रीम कोर्ट ने मजबूती के साथ, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है राशन देने का, वितरण करने का, कि राशन जब सड़ रहा है तो राशन सड़ रहा था गरीबों को बांटो, ये मजबूती से उसका ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। और ये बोलते हैं कि हम राशन दे रहे हैं, लगता है कि पूरा ये हल चला करके ला रहे हैं, पॉकेट से अपने ला रहे हैं, अपने घर से ला रहे हैं, और वोट मांगते हैं। तो हमको पूरा मजबूती के साथ देश को बचाना है। सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और प्रणाम करता हूँ, आदाब करता हूँ, सलाम करता हूँ, और सभी नेताओं को पूरे एक साथ विश्वास करके रहने की जरूरत है। सभी लोगों को नमस्कार। सभी पार्टी के महागठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद।